नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गीता कुकिंग वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बनाने वाले मूंग दाल के क्रिस्पी समोसा। रिजल्ट तो देख रहे हो ना, बाहर से कितने क्रिस्पी, अंदर से हल्के से जूसी। एक नए तरीके से हम बनाने वाले और नए स्वाद के साथ। मैं उम्मीद करूंगी कि ये तरीका आपको बहुत यानी बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आखिरी तक रेसिपी देखनी। रेसिपी कैसी लगती तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आप हमारे चैनल पे नए होगे तो लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना है। चलो फिर ज्यादा बातें करते नहीं, वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया है दोस्तों। मैदा मैंने पहले ही छान कर लिया हुआ है, अभी इसे एक बाउल में डाल देते हैं। अभी इस बाउल में हमें मैदा डाल देना है और थोड़ा मैं बचा के रख लेती हूँ, यानी 1.25 कप जितना मैंने बचा के रखा हुआ डस्ट करने के लिए, इतना बस हो गया है। अभी यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अभी इसे हमें टाइट सा डो बना लेना है। हाँ दोस्तों, समोसा बनाते समय पहले डो को बना लेना है, क्योंकि सेट करने को टाइम लगता है ना, इसलिए। तो इसे हमें टाइट सा डो बना लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से डो बना लिया, आप देख सकते हो टाइट सा एकदम परफेक्ट है। अभी इसे हमें ढक्कन लगा लेना, 10 मिनट को सेट होने को छोड़ दे, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ 1 ही चम्मच ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, क्योंकि हम स्टफिंग बनाते तो उस टाइम में हमें थोड़ा ही ऑयल डालना। ज़्यादा ऑयल डालोगे जो स्टफिंग ऑयली ऑयली बन जाएगा। अभी यहाँ पर ऑयल को हमें अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। अभी ऑयल गर्म हो चुका है दोस्तों। अभी यहाँ पर डालिए 1/2 चम्मच जीरा डाल देना है। इसी के साथ हमने डालना है 3 लहसुन की कलियां ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप करके लिया है, और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा। यदि आप इसे कटा हुआ नहीं खाना पसंद करते तो कोई बात नहीं, आप इसे पेस्ट करके भी डाल सकते हो। और इसी के साथ हमने डालना है 2 चुटकी हींग डाल देते हैं। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। यदि आपको तीखापन पसंद हो समोसा खाने में तो मिर्ची कम या ज़्यादा आप इस पर कर सकते हो। और यहाँ पर हमने डालना है थोड़े से मीठे कड़ी पत्ते, इसे मैंने बारीक चॉप करके लिया हुआ है। अब इसे 1 मिनट के लिए चला लेना है और धीमी आंच रखनी है गैस की। अभी इन मसालों को मैंने अच्छी तरह से सॉटे कर चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ पर हमने लेने मूंग दाल, इसे मैंने 3 घंटा पानी में भिगो कर रखी थी और 2 पानी से अच्छी तरह से धो भी लिया हुआ। अच्छी तरह से भिगो के लेना है और थोड़ा भी पानी इसमें चाहिए नहीं। अभी इसे 1/2 कप जितना मैंने लिया है और फूल के इतनी हो गई है। तो अभी इसमें हम डाल देना है मूंग दाल। हाँ दोस्तों, ये रेसिपी आपको कैसी लगती है हमारी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है। अभी तक चैनल पर नए होंगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी से धीमे आंच पे 5 मिनट तक अच्छी तरह से कुक कर लेना है। दाल में जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरा ड्राई हो जाना चाहिए और मसाला अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। तो अच्छी तरह से चला लेते हैं इसे हम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो दाल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ऑयल मैंने बहुत यानी बहुत कम डाला है। पहले से दाल कितनी फूल गई आपको मैं बताना चाहूँगी, देखो एकदम परफेक्ट है। अभी यहाँ पर हमने बाकी के मसाले डालेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने लेना है 1/2 चम्मच काश्मीरी मिर्ची पाउडर लेनी। हाँ दोस्तों, गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रख लेनी, ये कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, कलर अच्छा आ जाता है स्टफिंग में। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देना है। इसी के साथ हम डालेंगे 1 चम्मच धना पाउडर। और यहाँ पर हमने लेना है जो हमारे घर में मसाला होता है ना गरम मसाला, वो डालना है 1/2 चम्मच। और इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। मेथी डाल देते हैं, इसे क्रश कर लेना हाथों से, फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। एक चटपटा स्वाद देने के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नींबू का रस। यदि आप नींबू का रस नहीं डालना पसंद करते हो कि तो कोई बात नहीं, आमचूर पाउडर भी इसमें डाल सकते हो या चाट मसाला। अभी यहाँ पर हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक नहीं होगा तो टेस्ट तो आएगी नहीं समोसे में, तो नमक तो पहले ही चाहिए। अभी इसे मैं अच्छी तरह से चला लेना 1 मिनट के लिए, क्योंकि जो मसाले हमने डाले थे दाल के अंदर घुल जाने चाहिए। अभी यहाँ पर हमारे जो अच्छी तरह से मसाले अच्छी तरह से घुल गए और हमारी जो दाल भी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पे गैस बंद कर दे तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पे एक बाउल में हमें डाल देना है सारे ही मूंग दाल की स्टफिंग, देख रहे हो, वाह। अभी इसे हमें ठंडा होने को छोड़ देना है। अभी 10 मिनट हो चुका है, डो हमारा परफेक्ट सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे और डो को हमें अच्छी तरह से मसल मसल के चिकना कर लेना है, अच्छी तरह से मसलना है। अभी यहाँ पर हमने डो को अच्छी तरह से मसल लिया है, डो भी हमारा कितना परफेक्ट चिकना बन गया, आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। अभी इसे हमें छोटे छोटे पेड़े बना लेना है इस तरीके से, देख रहे हो, छोटी छोटी रोटी बनानी है हमें, बड़ी वाली नहीं बनानी है दोस्तों। इसे मैं इसे 6 या 7 रोटी मैंने कर ली है, आप देख सकते हो। अभी इसे मैं थोड़ा साइड कर लेती हूँ और एक लुई ले लेती हूँ और अच्छी तरह से मसल लेती हूँ हाथों से। गोल जैसे पेड़े बना लेना है, देख रहे हो, इस तरीके से मसल लेना है। ये तरीका परफेक्ट, देखो थोड़ा आड़ा टेढ़ा होगा, कोई बात नहीं, और अच्छी तरह से मसल लेना है क्योंकि गोल रोटी का शेप आना चाहिए, इसलिए मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। अभी यहाँ पर हमने सूखा डो ले लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने सूखा डो ले लिया, अभी इसमें एक बार डस्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। अभी इसे हमने पतली रोटी के जैसे बेल लेना है, एकदम पतली रोटी बेलना है इस तरीके से, देख रहे हो,
तो हम बेल लेते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता ना, इसलिए। अभी यहाँ पर हमने रोटी के जैसे बेल लिया, आप देख सकते हो पतली वाली रोटी। इसी तरह से हमें सारी रोटी बेल लेनी है, सेम टू सेम। अभी यहाँ पर हमने सारी रोटी बेल ली, देख रहे हो इस तरीके से। तो एक रोटी मैंने इसे पहले ही यहाँ पर रख लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हल्का सा ऑयल डालना है। हाँ दोस्तों, इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऑयल होगा तो फिर जो हमारी रोटी इजीली निकल जाती है, नहीं तो फिर कम ऑयल पड़ जाए तो फिर रोटी निकलती नहीं, टूट जाती है। तो इसलिए हाथों से पहले ऑयल को ऐसे ग्रीस कर लेना है रोटी के साथ, आप देख सकते हो। अभी यहाँ पर हल्का सा हमें मैदा छिड़क लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा मैदा छिड़क देना है। और इसमें और एक रोटी ले लेनी है और रोटी इसके ऊपर और रख लेनी है। और हमें यहाँ पे ऑयल लेना है। हाँ दोस्तों, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही लगाना है कि जब हम इसे सीखेंगे तो ये इजीली निकल जाएगी, थोड़ी भी टूटेगी नहीं। तो ये तरीका कैसे लगता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। अब ये और इसके अंदर हमें मैदे का आटा लेना है और छिड़क लेना है इस तरीके से। थोड़ा ज़्यादा ही लेना है मैदे का आटा और तेल। अब ये और इसमें लगाएगी, यहाँ पर मैं चार रोटी का लेयर करूँगी इस तरीके से। तो इसी तरह से मैं इसी प्रोसेस एक बार और कर लेती हूँ, सेम टू सेम। अभी यहाँ पर हमने चार रोटी का लेयर कर लिया, आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट। अभी यहाँ पर हमने सूखा डो लगा लेना इस तरीके से और इसके ऊपर रख लेते हैं। और अभी इसे हल्के हल्के हाथों से और बेलते जाना है, देख रहे हो इस तरीके से। जितना अपना तवा होता है वो हिसाब से हमें बेलना है, नहीं तो रोटी बड़ी हो जाएगी, का तवा छोटा हो जाता है कभी कभार, तो उसके नाप से हमें इसे बेलते जाना है। देख रहे हो इजीली बेलने हो रहा है ये। अब एक जगह मैंने तवा गरम कर लिया, अभी इसमें तवे पे रख देते हैं। अभी यहाँ पे तवा गरम कर लिया, अभी यहाँ पे हमने रोटी डालनी इस तरीके, इसे तुरंत टच करना नहीं, हल्की सी ऊपर बबल्स आती है ना थोड़ी थोड़ी बूंदी, तभी इसे हमें पलटी करनी है। और गैस की भी धीमी रखनी है, फास्ट पे इसे सेकना नहीं है, फास्ट पे सेकने जाकर तो रोटी बन जाएगी। अभी आप देखो हल्की सी बबल दिख रही है वाली, अभी इसे हमें पलटी करना है इस तरीके से। वाव, और धीमी आती है, ऐसे अच्छी तरह से सेकते जाना है हल्के हल्के हाथों से। ये हमारी रोटी कच्ची ना हो जाए, अंदर से भी कुक हो जानी चाहिए, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। धीमे आग पे सेकना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, पर रोटी बहुत ही बढ़िया होती है। घाई गड़बड़ में कर दोगे फिर रोटी कच्ची हो जाएगी, फिर समोसा जब हम बनाएंगे तो फट जाएगा, है ना। बाहर जो दुकान में हम खाते हैं दोस्तों, सेम ऐसे ही बनाते हैं, उनका बड़ा होता है, पर हम लोग घर में बनाते इसे छोटी छोटी रोटियाँ बना लेते हैं इसी तरीके से, देख रहे हो एकदम इजीली निकल जाती है। और इसे सेकते जाना है, देखो मैं आपको लेके बता दे, देखो इजीली निकल रही है रोटी, है ना। हल्के हल्के हाथों से सेकते जाना है, अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जानी चाहिए। तो इसे और पलटी कर लेना है, वाव, इसी तरह से। अभी मैं आपको एक रोटी निकाल के बता देती हूँ, देख रहे हो परफेक्ट। अभी इसे और पलटी कर लेती हूँ मैं, गैस की फ्लेम थोड़ी धीमी रखनी, जैसे जैसे आप सेकते जाओगे वैसे वैसे रोटी निकलती जाएगी। अभी इसको भी हमें निकाल लेना है एकदम परफेक्ट, इसे भी ऐसे हल्के हल्के हाथों से सेकते जाना है। बन गई ना हमारी पट्टी की समोसा रोटी, रिजल्ट आपके सामने है। और गैस की फ्लेम यहाँ पर हमने धीमी रखनी, फास्ट नहीं रखनी है, ऐसे ही होती ये रोटी, देख रहे हो वाव। इसी तरह बाकी की रोटी भी हम इसी सेक लेते हैं, गर्म है ना इसलिए इसे मैंने रखा हुआ है। अभी यहाँ पे हमें मैदा डालना है, हमें स्लरी तैयार कर लेते हैं इस तरीके। दो चम्मच हमें मैदा डाल देती हूँ, इसमें हमें पानी डालना है और इसकी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से स्लरी बना लिया, आप देख सकते हो मैदे की एकदम परफेक्ट, एक क्रीम के जैसे बननी चाहिए, एक ही झटके में गिर जानी चाहिए, परफेक्ट है। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पे मूंग दाल का जो हमारा स्टफिंग पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। हाँ दोस्तों, स्टफिंग गरम गरम नहीं भरना है हमें, घर ठंडा ही भरना है। अभी लास्ट में इसमें धनिया डाल देते हैं। हाँ दोस्तों, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, कभी भी आपको समोसा खाने का मन हुआ, पट्टी लिया और दाल भर दी। इसी तरह से आप इसमें प्याज भी डाल सकते हो, प्याज अच्छा लगा तो। यहाँ पर मैं प्याज नहीं डालना पसंद करूँगी, ताकि मैं इसे स्टोर करना चाहने वाली हूँ, इसलिए इसे मैं ऐसे ही रखने वाली हूँ, एकदम परफेक्ट। प्याज खाना पसंद हो तो प्याज डाल सकते हो, जब भी खा रहे हो तभी इसमें प्याज डालना है, पहले प्याज डालना नहीं। प्याज डाल दोगे फिर जो स्टफिंग खराब हो जाएगी, फिर एक ही दिन में आपको खाना पड़ेगा। अभी करेंगे मेन प्रोसेस। अभी यहाँ पे सारी रोटियाँ हमारी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बन गई है। मैं और एक लेके बता देती हूँ, वाव, देख रहे हो एकदम परफेक्ट। इसी तरह से सारी रोटी हमने ठंडी कर ली, गरम गरम रोटी को कट नहीं करना है, ठंडा होने के बाद ही कट करना है। हाँ दोस्तों, इस रोटी को आप स्टोर करके भी रख सकते हो, आप ये आराम से रहती है, डब्बे में भरना है हमें जब भी खाने का मन हो। और रोटी लिया, कट किया और बन गया समोसा।
अभी इसे हमें चौकोर में कट करना है इस तरीके से, और बड़ा वाला चक्कू लेना है जो हमारा अच्छा चक्कू होता है ना वो। अभी इसे हमें फेंकना नहीं, इसे हमें फ्राई करके खा लेना पापड़ के जैसे कुड़ुम कुड़ुम लगता है ये। अभी इसे हमें और ऐसे करना है इस तरीके से, देख रहे हो एकदम कट करना है ऐसे। तो मैंने बहुत सारे समोसे डाले दोस्तों, तो आप देख सकते हो इसी तरह से हमें इसे चौकोर में कट कर लेना है। ठंडा होने के बाद देखो ये इजीली निकल जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं कुछ नहीं। अभी यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया हुआ है, देख रहे हो। अभी यहाँ पे हमने तीन में कट करना है, तो यहाँ पे ढाई में हमें कट करना है इस तरीके से, देख रहे हो। ढाई में इसे हमें कट कर लेना है, इसे भी ढाई में इस तरीके से, परफेक्ट। इसे भी एकदम परफेक्ट स्ट्रेट में कट करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसे स्ट्रेट में कट करना है, एकदम बहुत ही इजी तरीका है दोस्तों समोसा पट्टी बनाने का। ये एकदम अच्छी तरह से, अभी एक दूसरा भी तरीका बता दूँ, यदि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इसे हमें बराबर रख लेना है, इसके ऊपर ही और रख लेना है एक ही लाइन में, और इसके और इसके ऊपर हमें इसे कट कर लेना है, देख रहे हो। जो भी एक्स्ट्रा है वो कट करना है। अभी मैं यहाँ पे समोसा पट्टी हमारी बनकर तैयार हो गई, देख रहे हो कितनी इजीली और सॉफ्ट बन गया। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, कभी भी खाने का मन हो तो आप खा सकते हो। अभी स्टफिंग कैसे भराई जाती वो बता देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने एक पट्टी लेनी है, और इसे मैं ऐसे थोड़ा मैं इसे साइड कर लेती हूँ, इसे मैं हल्के से इसे क्रॉस करना है इस तरीके से, देख रहे हो इस तरीके से, और इसे मैं ऐसे कर लेना है, ये पॉइंट में हमें खुलेना इस तरीके से, देख रहे हो परफेक्ट। अभी यहाँ पर हमने हाथों में ले लेना है, और यहाँ पे स्टफिंग डाल देनी है, थोड़ी ज़्यादा भर के डालना है कि स्टफिंग कम ना लगे, ज़्यादा ही चाहिए तभी मज़ा आएगी समोसा खाने में, देख रहे हो। अभी यहाँ पे मैंने इसे अच्छी तरह से भर लिया हुआ है इस तरीके से। अभी इसे हमें इसे कवर कर लेना है, और जो भी यहाँ पे जो हमने बनाया था साठा वो लगा लेना है चमचे के सहायता से, और इसे हमें इसे फोल्ड कर लेना है, देख रहे हो। हल्का सा और लगा लेते हैं यहाँ पे, यानी जब हम फ्राई करके ये खुले ना, इसे ये चिपक जाएगा एकदम परफेक्ट। इसे हल्के से दबा लेना है, देख रहे हो कितना परफेक्ट समोसा हो गया। और एक लेके बताते थे कैसे बनाना है, क्योंकि आपको थोड़ा अंदाज आ ही जाएगा। अभी आप देख सकते हो, और इसे ऐसे क्रॉस में लेना है, मैं डबल बता रही हूँ आपको, और इसे और ऐसे लेना है, परफेक्ट कौन आना चाहिए, बस मेहंदी का कौन कैसे होता है वैसे इसका आना चाहिए, और स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा भरनी क्योंकि उसकी टेस्ट आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा नया तरीका बताया, मूंग दाल का समोसा बताया पट्टी वाला। अभी इसे मैं हल्के हाथों से इसे, रोटी अच्छी पक जाती है दोस्तों तो ये परफेक्ट समोसा होता है, खुलता थोड़ा भी नहीं है, तो इसे मैं इसे लगा लेना है ये मैदे का लेयर, और इसे और अच्छी तरह से दबा लेना है परफेक्ट कोने में। तो क्यों ना सारे समोसे सेम टू सेम ऐसे बना लेते हैं हम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे समोसे हमने बना लिए, रिजल्ट आपके सामने, देखो परफेक्ट कोना आ गया है। अभी एक जगह ऑयल गरम कर लिया है, अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ऑयल गरम हो चुका है अच्छी तरह से, अभी यहाँ पे हमने एक एक समोसा डाल देना है। हाँ दोस्तों, गर्मा गर्म ही ऑयल चाहिए, ठंडा ऑयल बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तभी जाके हमारे जो समोसे क्रिस्पी बने। और देखो हल्के से ऊपर आ रहे हैं, इसे टच नहीं करना है, थोड़े टाइम के बाद ही इसे टच करना है, तभी जाके अच्छी तरह से समोसे बनेंगे। तो रेसिपी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। जैसे हम दुकान में जाते खाने के लिए कैसे बनते, सेम टू सेम हमने वैसे ही बना दिया हुआ है। तो अभी इसे एक मिनट के बाद हम इसे टच करिए उलट पुलट। हाँ अभी आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एक मिनट हो चुका है, अभी इसे हमें उलट पुलट करना है, जब तक कि फ्राई करना जब तक कि इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। हाँ दोस्तों, इसे बीच बीच में भी चलाते रहना है इस तरीके से, देख रहे हो। तो गैस की फ्लेम थोड़ी फास्ट ही रखनी, धीमी आंच पे इसे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो फिर ऑयल समोसा बन जाएगा, ऑयली ऑयली। तो अभी अच्छी तरह से इसे गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ का जो समोसे का जो कलर है हल्का सा गोल्डन हो गया है। हाँ तो ये समोसे में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, 5 मिनट के अंदर अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। कलर देख रहे हो एकदम परफेक्ट गोल्डन आ गया है, मैं आपको लेके बता देती हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हो, और थोड़ा व्हाइट है, तो और इसे अच्छी तरह से एक जैसे फ्राई करना है। गोल्डन बबल्स है ना, तो इसे समझ में आता है अंदर से थोड़े हमारे जो समोसे कच्चे, बबल थोड़ी कम होने के बाद ही ऐसे निकालना, पहले निकालना नहीं, यदि पहले निकालने जाओगे तो भी कच्चा लगेगा समोसा।
तो इसे बीच बीच में इसे चलाते भी रहना है, क्योंकि अच्छे से ऊपर से नीचे से अंदर से अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगी ये। अभी ये देख रहे हो कलर कितना परफेक्ट आ गया एक जैसे ही, अभी हम निकाल के बता देते हैं आपको। वाव, और ये थोड़ा भी ऑयल पिएगा नहीं, इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्योंकि दुकान वाले जैसे ही हमने बनाए हैं रिजल्ट आपके सामने, क्रिस्पी भी है और खाने में स्वादिष्ट भी। तो बाकी के जो समोसे बचे वो भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखा ना दोस्तों हमने कैसे बना दिया बाजार जैसे समोसा, वो भी पट्टी वाला मूंग दाल के साथ, रिजल्ट आपके सामने। ऑयल थोड़ा भी नहीं दोस्तों, देख रहे हो कितने क्रिस्पी है। मैं तोड़ के बता देती हूँ आपको, रिजल्ट मालूम ही पड़ जाएगा, इजीली टूट गया देख रहे हो। और जो क्रिस्पी पड है हमारी एकदम मस्त बन गई है, यम्मी यम्मी। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और इसी प्यार और सपोर्ट करते रहना है दोस्तों। धन्यवाद।